हेलो माय लवलीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सागा। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा जो स्किन केयर रूटीन है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ, उसका रिव्यू मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो जो भी मैं आज प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, वो मेरा पर्सनल रिव्यू होगा, पर्सनल ओपिनियन होगा। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। एंड इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं वीडियो में। एज अ मेकअप रिमूवर सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ दिस वन टू रिमूव। दिस इज अ गार्नियर मिसेलर ऑयल इन्फ्यूज क्लींजिंग वाटर। मैं खाली इसको यूज़ करती हूँ आईज और लिप्स का मेकअप रिमूव करने के लिए, ऑल ओवर फेस में मैं नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे थोड़ा सा रैशेस, मतलब मैं जब भी ऑल ओवर फेस में अगर मैंने अप्लाई कर लिया तो रैशेस निकल के आता है, तो आई अवॉइड यूजिंग दिस ऑल ओवर माई फेस। लेकिन आईज़ एंड लिप्स के लिए इट्स अ परफेक्ट वन एंड इट्स अ बजट फ्रेंडली ऑल्सो। एंड इट इज़ इसका प्राइस है 225। ये छोटा वाला है, आपको बड़ा वाला भी मिल जाएगा शायद, अब बड़ा वाला 500 या 550 के अराउंड है। तो येस, दिस इज़ अ वेरी गुड फॉर वाटर प्रूफ मेकअप ऑल्सो। आई रियली रियली रिकमेंड दिस वन। इसके बाद फुल फेस मेकअप रिमूव करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ क्लिनिक का टेक द डे ऑफ दिस वन। और ये वाला जो प्रोडक्ट है, इट्स लाइक होली ग्रेल प्रोडक्ट फॉर द गर्ल्स आउट देयर, जिनका स्किन मेरी तरह है। मेरा स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब रैशेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर प्रोडक्ट मैंने कुछ नया अननोन प्रोडक्ट मैंने ट्राई कर लिया तो रैशेस, जो बर्निंग सेंसेशन देता है वैसा वाला रैशेस मेरे, मतलब स्पेशली दिस एरिया में आता है। तो मैं हमेशा ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जो हार्श नहीं हो उतना ज़्यादा, और मैं ओनली बेस मेकअप रिमूव करने के लिए ही यूज़ करती हूँ। वन ऑफ माई फेवरेट मेकअप रिमूवर, वाटरप्रूफ मेकअप हो, कोई भी मेकअप हो, ये काफ़ी अच्छा है। मतलब थोड़ा सा प्रोडक्ट ही लगता है आपकी स्किन में, लाइक मेल्ट्स अवे ऑल योर मेकअप फ्रॉम योर फेस। ये आई हाईली रिकमेंड दिस वन। इसके बाद चलते हैं और एक मेकअप रिमूवर, दिस इज विटामिन ई फ्रॉम बॉडी शॉप। एज अ डेली मेकअप रिमूवर दिस वन इज़ वेरी गुड। मतलब डेली तो हम लोग ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करते हैं, तो इस डेली के लिए दिस वन इज़ वेरी गुड। आई हाईली रिकमेंड दिस वन। दिस इज़ ऑल्सो लाइक डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड। ये मुझे रैशेज वगैरह कुछ नहीं देता है, इट्स ऑल रियली नरिशेज माई स्किन। फेस स्क्रब के लिए मैं यूज़ करती हूँ पिक्सी कप पील एंड पॉलिश, अनदर होली ग्रेल प्रोडक्ट ऑफ माइन। ये वाला जो स्क्रब है, इट्स लाइक literally moisturizes your skin and makes your skin smooth. ये जितना भी आपका डेड स्किन्स है, जितना भी ड्राइनेस है आपके स्किन में, पैचीनेस है, जितना भी डलनेस है आपके स्किन में, पूरा इसको हटा देता है। मैं इसको वीकली ट्वाइस यूज़ करती हूँ। इसका प्राइस जो है, दिस इज़ 2400, थोड़ा हाई बजट का है। और अगर आपको थोड़ा सा लो बजट में अगर फेस स्क्रब चाहिए तो मैं ये वाला रिकमेंड करूँगी। This is cafe and coffee face scrub. This is not exactly the exact dupe of pixie one. लेकिन भी आपका डेड सेल्स रिमूव कर देता है, प्लस ये जितना भी आपका टैन है वो भी रिमूव कर देता है। टैन के लिए आई डोंट थिंक दिस वन गोज, यू नो, मैंने इसका इफेक्ट देखा है, ये स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है, डेड स्किन सेल्स पूरा हटा देता है एक बार में। यू विल फील दैट स्मूथ फीलिंग ऑन योर फेस। लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला आपको आपका टैन भी रिमूव कर देगा। दिस फेस स्क्रब, जिनको थोड़ा सा टैन हो जाता है स्किन में, प्लस स्क्रब भी चाहिए, दोनों का काम करेगा, तो आई हाईली रिकमेंड दिस वन। फेस वॉश के लिए मैं यूज़ करती हूँ सेंट बोटानिका का विटामिन सी ब्राइटनिंग फेस वॉश। दिस वन इज़ अनदर फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ माइंड। मैं इसे एक साल होने वाला है मैं यूज़ कर रही हूँ। दिस काफ़ी अच्छा है, मतलब ये लिटरली इट्स क्लेम्स दैट इट इज़ हैविंग विटामिन सी इन्फ्यूज इन नेचुरल एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑरेंज फील, टर्मरिक, नीम एंड सैफ्रॉन। इट्स रियली गुड। फर्स्ट टाइम अगर आप वॉश करोगे, फर्स्ट यूज़ में ही आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। और ये जो है आपका टैन भी हटा देता है। विटामिन सी इज़ गुड, वेरी गुड फॉर रिमूविंग योर टैन ऑल्सो। दिस इज़ गुड फॉर ऑल स्किन टाइप। मेरा तो थोड़ा सा ड्राई स्किन है, लेकिन येस दिस फेस वॉश गो विथ एनी स्किन टाइप। इसका जो प्राइस है, दिस इज़ 399 एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स ऑल्सो, एंड गिव्स यू दैट परफेक्ट ग्लो एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट ऑन योर फेस। एंड टोनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ विश केयर का 100% प्योर एंड नेचुरल रोज़ वाटर। आप कोई भी रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो टोनर के लिए। मैं ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स ही प्रेफर करती हूँ स्किन, मतलब स्पेशली टोनर्स के लिए। मेरा स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो स्किन केयर रूटीन है वो थोड़ा सा नेचुरल की तरफ ज़्यादा जाए, कि जिस 100% नेचुरल
प्योर रोज पेटल टोनर, इतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग है मेरी स्किन पे। आप इसे मेकअप के पहले भी यूज़ कर सकते हो, मेकअप एज अ मेकअप सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो, एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हो। इट्स वेरी गुड, ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग इफेक्ट देता है मेरी स्किन में, जितना भी ड्राइनेस है पैचिनेस है पूरा एकदम चला जाता है। एंड वन मोर यूजेज ऑफ दिस इज कि आप इसे एज अ हीट प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। येस, आपके हेयर्स के लिए, शाइन के लिए, मॉइस्चर जिनका हेयर थोड़ा डल है, ड्राई है, उसके लिए भी आप ये वाला टोनर यूज़ कर सकते हो। इसको जस्ट यू जस्ट स्प्रे ऑन योर हेयर एंड उसके बाद आप कोई भी हीट स्टाइलिंग कर सकते हो, और आफ्टर यू डू योर शैम्पू आप उसके बाद यू जस्ट स्प्रे दिस टोनर ऑन योर हेयर्स। इट्स रियली मॉइस्चराइजेज योर हेयर एंड मेक्स योर हेयर स्मूथ। तो येस, आई हाईली रिकमेंड दिस वन। इसके बाद चलते हैं मॉइस्चराइजर की तरफ आफ्टर यू टोन डाउन योर फेस। तो मॉइस्चराइजर के लिए फॉर द डे आई यूज दिस रिपेयर चेंज हाइड्रा 4। ये वाला जो मॉइस्चराइजर है दिस इज़ लाइक डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, बिकॉज एज मैंने आपको बोला मेरा स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा रैशेज वगैरह हो जाता है। तो मैंने ये लाइक 10-15 डेज हुआ है मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ लाइक वेरी गुड ऑन माई स्किन। कोई रैशेज वगैरह मेरे स्किन पे नहीं हुआ है इसको अप्लाई करने के बाद में, बिकॉज कोई भी नया प्रोडक्ट जब मैं अप्लाई करती हूँ ना तो मुझे डर लगता है कभी कुछ मतलब उसका नेगेटिव कुछ इम्पैक्ट ना हो जाए मेरे स्किन में। लेकिन आई रियली इसका रिव्यू जो है रियली ऑथेंटिक रिव्यू है नायका में, येस दिस इज़ अनदर डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट। जिनके स्किन में प्रॉब्लम है मेरे जैसे, जैसे रैशेज का प्रॉब्लम हो गया, इन्फ्लेमेशन है, जिनके स्किन में ड्राइनेस है, पैचिनेस है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उनके लिए मैं हाईली ये रिकमेंड करती हूँ। दिस इज़ रियली अ हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। ये आपको फाइन लाइन्स को भी हाइड करता है, प्लस इट इज़ हैविंग दैट सन कंट्रोल इफेक्ट इन इट। इंडिविजुअल लिखा हुआ नहीं है इसका SPF कितना है, लेकिन हाँ इसमें लिखा है कि दिस इज़ यू कैन यूज़ एज योर डे क्रीम। तो ऑब्वियसली ये सन डैमेज से भी इसको सन डैमेज से भी आपके स्किन को ये प्रोटेक्ट करता है। ये थोड़ा सा हाई एंड प्रोडक्ट है, इसका प्राइस 3,000 to 200 और 500 के रेंज में है, ये थोड़ा हाई एंड है। बजट फ्रेंडली के लिए मैं रिकमेंड करूँ इसे सेन बोटानिका विटामिन सी SPF 30। मुझे ये प्रोडक्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरा जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ये वाला जो क्रीम है ये मेरे ख्याल से ऑयली और कम्बिनेशन स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए जाएगा, लेकिन नॉट फॉर ड्राई स्किन। ये बिकॉज मैं इसे जब भी लगाती हूँ मेरा स्किन एकदम ड्राई लगता है, पैची लगता है। तो मुझे एक हाइड्रेशन वाला मॉइस्चराइजर चाहिए था, तो उसके लिए मैंने ये लिया था एंड रियली इट गोज़ विद माई स्किन। तो लेकिन आपका अगर ऑयली स्किन है, कम्बिनेशन स्किन है, तो येस दिस विल गो। बहुत ही अच्छा है ऑयली और कम्बिनेशन स्किन के लिए, बहुत ही अच्छा है, यह बजट फ्रेंडली भी है। इसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए मैं दे दूंगी। हाँ, और सीरम के लिए मैं यूज़ करती हूँ इनिस्फ्री का जेजू प्रोमोगेंट रिवाइटलाइजिंग सीरम। ये वाला सीरम काफ़ी अच्छा है जिनका ड्राई स्किन है मेरी तरह, सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, फाइन लाइन्स के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं इसे एक साल होने वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका रिजल्ट मैंने खुद देखा है। आई हाईली रिकमेंड दिस वन, दिस विल मेक योर स्किन ग्लो, इट विल लाइक फेड अवे योर फाइन लाइन्स ऑल्सो। तो मैं मेनली नाइट में ही यूज़ करती हूँ उसको, तो नाइट में बिकॉज क्या होता है ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है स्किन पे, तो समर्स के टाइम तो ठीक है रात को AC चलता है, तो तब मैं फेस पे थोड़ा हाइड्रेशन वाला थोड़ा स्टिकी फील भी अगर रहेगा तो मेरे स्किन के लिए कोई प्रॉब्लम मुझे है नहीं। आई डोंट नो ये थोड़ा ऑयली स्किन के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा, बट इट क्लेम्स दैट इज फॉर ऑल स्किन टाइप, बट आई थिंक दिस विल गो फॉर ड्राई स्किन ओनली। उसके बाद अंडर आई क्रीम के लिए मैं यूज़ करती हूँ विश केयर का अंडर आई क्रीम कोलाजन बूस्टिंग, दिस वन। ये मैंने नायका से रिसेंटली परचेस किया है और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, 7 days हो चुका है। दिस क्लेम्स दैट इट इज़ गुड फॉर योर डार्क सर्कल, ट्रीट पफी आइज, एंटी रिंकल एंड एंटी एजिंग। इट इज़ हैविंग विटामिन सी एंड ई, हाइड्रोकोलिक एसिड एंड मैं इसको 1 week हो गया मैं यूज़ कर रही हूँ एंड आइडली इसको यूज़ कर रही थी मेरे फाइन लाइन्स के लिए, मतलब इनर आइज में थोड़ा थोड़ा मुझे फाइन लाइज हुआ है तो उसके लिए ही मैं यूज़ कर रही थी उसको, बिकॉज डार्क सर्कल्स मुझे उतना है नहीं, तो फाइन लाइन्स के लिए इट रियली गिव्स अ गुड रिजल्ट विद इन 1 week ऑफ द यूज। अगर आपको कोई अच्छा वाला आई क्रीम चाहिए तो आई हाईली रिकमेंड दिस वन। और हैंड क्रीम के लिए मैं यूज करती हूँ कैफेन कॉफी हैंड क्रीम। ये हैंड क्रीम जो है मैं इसको मेनली मेरे पर्स में ही रखती हूँ, बाहर कभी जाती हूँ तो मतलब मेरा हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, मतलब मेनली ये फिंगर्स के अराउंड में ना वाइट हो जाता है, एकदम फट जाता है। आई डोंट नो व्हाई, AC में जाऊँगी तो एकदम फट ही जाता है, मतलब वाइट हो जाता है, तो तब मैं इसीलिए मैं इसको मतलब मेरे हैंड बैग में ही रखती हूँ। तो येस, इसका भी रिज़ल्ट मैंने देखा है, काफ़ी अच्छा है।
नाइट क्रीम के लिए मैं यूज़ करती हूँ दिस वन, एस्टे लॉडर का रिवाइटलाइजिंग सुप्रीम प्लस एंटी एजिंग. दिस इज़ वेरी गुड होली ग्रेल प्रोडक्ट ऑफ माइंड. दिस इज़ लाइक क्या बोलूँ, ऑलमोस्ट वन ईयर हो गया मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. आई कैन रियली सी द रिजल्ट. पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, रिंकल्स का प्रॉब्लम है, फाइन लाइन्स का प्रॉब्लम है. इट इज़ ऑल्सो अ हाई रेटिंग प्रोडक्ट इन नाइका ऑल्सो. यू विल गेट दैट, गेट दिस प्रोडक्ट ओवर देयर. और इसका तीन साइज आएगा. ये वाला जो है दिस इज़ 15 ml. ये है 2750 का. अभी मैंने अप्लाई किया है, नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स लाइक एक स्मूथ एक फीलिंग आपको मिलेगा. मतलब व्हेन आई टच माई स्किन इन द नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स लाइक आई कैन सी द स्मूथ कैनवास ऑन माई फेस. इट्स लाइक वेरी गुड, आई रियली लव इट. इसके बाद अगर आपको एक बजट फ्रेंडली नाइट क्रीम चाहिए होगा तो देन ये है सेंट बोटानिका का एर्गन ऑयल एंटी रिंकल नाइट क्रीम. ये वाला जो नाइट क्रीम है ये ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, बिकॉज ड्राई स्किन के लिए आई डोंट नो, मेरे स्किन के लिए तो ये गया नहीं है, बिकॉज मेरा थोड़ा सा ड्राई स्किन है. जब भी मैंने अप्लाई किया है इट्स लाइक मेरा स्किन एकदम फ्लेकी हो चुका है. लेकिन ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है. ये मैंने मम्मी को दिया था यूज़ करने के लिए, मम्मी को अच्छा रिजल्ट आया. मम्मी को उतना ज़्यादा ड्राई स्किन है नहीं मेरी तरह फेस पे. तो जिनका ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो बजट फ्रेंडली के लिए मैं ये वाला प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करूँगी. नाउ लिप बाम के लिए, नहीं लिप बाम से पहले मैं एक लिप स्क्रब रिकमेंड करना चाहूँगी. वो है कैंडी फ्लॉस का एन. दिस लिप स्क्रब इज लाइक इट्स हैविंग सम टिंट ऑन इट. मतलब ये मैं लिप्स पे नॉर्मली अप्लाई कर लेती हूँ नहाते वक्त. दो मिनट तक उसको स्क्रब करने के बाद ही मैं लिप बाम यूज़ करती हूँ. और लिप बाम के लिए मैं यूज़ करती हूँ पकड़ का ऑल्सो हैविंग सम टिंट ऑन इट. तो ये अप्लाई करने के बाद ये लिप्स को हाइड्रेट रखता है काफ़ी ज़्यादा, और इसको ये थोड़ा सा टिंट भी देता है आपके लिप्स पे. ये एक पिंकिश टिंट आपके लिप्स पे रहता ही है ये वाला अप्लाई करने के बाद. और थोड़ा सा हाई एंड लिप बाम अगर आपको चाहिए तो ये है, आप देख सकते हो मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है. सो येस गाइज, ये था मेरा स्किन केयर रूटीन, स्किन केयर प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा सा हेल्पफुल भी लगा हो. इतना सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, मेरी तरफ से जितना भी हो सकता था मैंने दिया है. आई होप आपको ये पसंद आया हो ये वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय एंड टेक केयर.